बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालय में जो भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे अरसे से लंबित है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। आज इस मामले को बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा समेत अन्य सदस्यों ने उठाया था। बीजेपी विधायक ने सरकार से यह जानना चाहा कि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 शिक्षकों का पद सृजित है, इनमें से 7,000 से ज्यादा पद अब भी खाली हैं। सरकार इन रिक्त पदों पर कब तक बहाली करने जा रही है। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, इससे पठन पाठन में दिक्कत आ रही है। इनकी नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने साल 2020 में प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसका क्या हुआ यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके जवाब में सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई है। यह बात सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी मामलों में देरी हुई है, लेकिन अगर भाजपा विधायक यह कह रहे हैं कि कोरोना में जीना सीखना होगा और इसके लिए सभी कामों को लंबित नहीं किया जा सकता है, तो यह भी सच है कि इस बात को समझने में हमें 2 साल का वक्त लग गया। अब सब कुछ ट्रैक पर है और नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में भरोसा दिया है कि राज्य के अंदर फास्ट ट्रैक के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली जल्द पूरी कर दी जाएगी। फिलहाल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से पढ़ाई जारी है। शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया है कि गेस्ट फैकल्टी को इसी शर्त के साथ रखा गया है कि नियमित नियुक्ति हो जाने पर इनकी सेवाएं नहीं ली जाएगी। कुल 12,893 पद शिक्षकों के लिए सृजित हैं, इनमें से 7,000 से अधिक पद खाली हैं। बिहार के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए 1 साल से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। कुल 52 विषयों में 4,638 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, इनमें से लगभग 82 शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए विगत 2 सालों में 6 स्मार पत्र भी विफल हो चुके हैं। अतः विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कार्य में शिथिलता एवं शिक्षकों की कमी से छात्रों के शैक्षणिक कार्य में हो रही परेशानी के संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। 10,804 स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में 5,555 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके साथ ही 1,664 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी शिक्षण कार्य के सम्यक संचालन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया है, अर्थात कुल 7,219 शिक्षक संप्रति कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 4,638, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजा गया था तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे भी माननीय सदस्य ने कहा है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य रूप से कोरोना महामारी के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। महोदय, पूरा सदन अवगत है कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण सरकार के साथ साथ बहुत सारी सार्वजनिक गतिविधियां बाधित हुई थी और अभी तक 16 विषयों के साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। शेष विषयों का साक्षात्कार अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।